गाइस, ट्रेंडिंग सेक्शन में जाने के सपने बहुत बड़े होते हैं। एक तो है कि ये सबसे बड़े सपने होते हैं कि आप यूट्यूब पर आ जाओ। यूट्यूब पर आ जाओगे, उसके बाद सपने होते हैं मोनेटाइजेशन कर लें। ऐसे सपने बहुत सारे होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ग्रोथ करते जाते हो, वैसे वैसे आपके सपने बढ़ते जाते हैं। वहाँ पर लाइव आने के सपने हो जाते हैं, फिर कम्युनिटी में कुछ डालने के सपने आ जाते हैं। मतलब कि धीरे धीरे एंड सबसे लास्ट जब वीडियो रैंक करने लगते हैं, आप जब यूट्यूब पर एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हो, उसके बाद लास्ट जो सपने बोलते हैं ना, उनके बाद सपना होते ही नहीं है। नॉर्मल सपना होते हैं कि जब मैं ग्रोथ करूं, तो आप जैसे ही मेहनत करोगे तो वो तो एब्वियसली आप ग्रोथ कर ही जाओगे। 2 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन, आप अपने डिपेंडेंट, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितनी मेहनत करोगे उतनी आप ग्रोथ कर लोगे। बट एटलीस्ट सबसे लास्ट सपना होती है कि जब आपको ट्रेंडिंग सेक्शन में पहुंचना है। तो गाइस, इससे पहले कुछ दिन पहले के अपडेट मैंने बताया कि ट्रेंडिंग सेक्शन में सिर्फ यूट्यूब शॉर्ट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करता था, तो अभी शॉर्ट्स को रिमूव कर दिया, रिमूव नहीं किया, उसको थोड़ी डाउन कर दिया है, एंड बड़े जो वीडियो जाते हैं उनको प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है। एंड उसके बाद पहले भी सपने थे ट्रेंडिंग सेशन में जाने के, एंड अभी है जो सपने और बढ़ गए हैं ट्रेंडिंग सेशन में जाने के। शायद आपके भी सपने होंगे ट्रेंडिंग सेशन में जाने की, तो गाइज आप कैसे जा सकते हो? उसकी तो कुछ रूल्स होगी ना। आप क्या करोगे, कैसी कंटेंट बनाओगे, कैसी करनी है, कैसे वीडियोज पे काम करोगे, क्या करना होता है जिससे कि आप ट्रेंडिंग सेशन में आ जाओगे, आपकी वीडियोज आ जाएगी, तो इसी के रिलेटेड फुल वीडियोज में बात होगी जो आपको क्या करनी होगी जिससे कि आप ट्रेंडिंग सेशन में आ जाओगे। क्योंकि एक बहुत बड़ी ड्रीम होती है ट्रेंडिंग सेशन में जाकर यूट्यूब पर सक्सेस होने के बाद। तो गाइस, इसी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, वीडियोज को लास्ट तक देखना। अगर इस चैनल पर नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर वीडियोज अच्छी लगी है तो लाइक करना। लेट्स स्टार्ट। हाय एवरीवन, इट्स मी धर्मपाल एंड आप देख रहे हो धर्म सुप्रिया टेक। तो गाइज, इससे पहले एक रूल्स बता दूं, अगर आप ट्रेंडिंग सेक्शन में जाते हो तो आपको ये जरूरी नहीं होते हैं कि आपकी इतने बड़े व्यूज होने चाहिए, इतनी सब्सक्राइबर होने चाहिए, इतनी ये होने चाहिए, उतनी वो होने चाहिए। ये कोई रूल्स नहीं है। आप ट्रेंडिंग सेक्शन में जाओ, आप ट्रेंडिंग सेक्शन में जाना हो, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो जिनकी व्यूज 4 मिलियन, 10 मिलियन होती है एक दिन 2 दिन के अंदर में, उनकी वीडियोज भी ट्रेंडिंग सेक्शन में नहीं जाती है। जिनकी आप देखे होगे 200, 400, 500, 700 के, इतनी भी आप देखो उसकी भी ट्रेंडिंग सेक्शन में वीडियो होती है। इसका मतलब क्या होता है पता है? देखते हो ना, यहाँ पर आपकी माइंड में होगी कि जो कम व्यूज वाले, जिसकी मिलियन में व्यूज नहीं होती है, वो भी ट्रेंडिंग सेक्शन में रहते हैं, तो वो कैसे रहते हैं एंड आप कैसे जाओगे? एंड मिलियन वाले व्यूज होते हैं वो भी रहते हैं बहुत, लेकिन उससे भी ज्यादा मिलियन व्यूज वाले होते हैं वो ट्रेंडिंग सेक्शन में नहीं रहते हैं, इनका भी क्या लोचा है? तो गाइज, इसका एक शॉर्ट बात बता दूं, अगर आप एक बार ट्रेंडिंग सेक्शन में चले जाते हो तो आपकी वीडियोज है जो बार बार ट्रेंडिंग सेक्शन में आएगी। ये नहीं है कि जब आप एक बार मेहनत करके ट्रेंडिंग सेक्शन में ला रही है दोबारा नहीं आएगी, ऐसे नहीं। अगर एक बार ट्रेंडिंग सेक्शन में चले जाते हो ना किसी बार मेहनत करके, तो बार बार ट्रेंडिंग सेक्शन में आएगी। एंड क्या करना होगा, एंड क्या यूट्यूब खोजता है जिससे कि आप ट्रेंडिंग सेक्शन में आओगे, उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है क्या? पहले है व्यूज काउंट एज ऑफ द वीडियोज, मतलब व्यूज काउंट किया जाएगा जो आपकी वीडियोज है उसकी एज, एज मतलब उम्र होती है, उसकी उम्र के हिसाब से देखा जाएगा कि आपकी वीडियोज पर कैसे व्यूज आती है। दूसरी टॉपिक्स क्या है, हाउ क्विकली द वीडियो जनरेट व्यूज, मतलब कि आपकी वीडियोज कितनी जल्दी है जो व्यूज जनरेट करती है। ऑब्वियसली आपके पास सब्सक्राइबर होगी एंड सब्सक्राइबर कम है, आपके वीडियोज में कंटेंट में दम होगी, आवाज में, मतलब किसी रिलेटेड आपकी वीडियोज में दम हो, सब्सक्राइबर कम है या ज्यादा नहीं, यहाँ पर रिलेट किया जा रहा है कि आपकी वीडियोज कितनी जल्दी है जो व्यूज को काउंट करती है उसको यहाँ पे जोड़ा जाएगा। तीसरी क्या है, वेयर द व्यूज और काउंटिंग फ्रॉम, मतलब आपको पता है व्यूज आपको कहाँ से आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, आपकी सर्च इंजन से आ सकती है या फिर सब्सक्राइबर से आती है, नोटिफिकेशन से आती है, यहाँ भी देखा जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि व्यू ब्राउजर से आती है तो आपकी नहीं आएगी, व्यूज यहाँ से आती है नहीं आएगी, मतलब तो हर को रिलेट किया जाता है जो आपके व्यूज कहाँ से ज़्यादा आते हैं, देखा जाएगा। जो हर जगह से सही आती है तो आपको ट्रेनिंग सेशन में भेज दिया जाएगा। वीडियो परफॉर्मेंस कॉम्पैक्ट और द रिसेंट अपलोडेड वीडियोज फ्रॉम द सेम चैनल्स, इसका मतलब ये हो जाती है कि जो आपकी जो वीडियोज है जो अपलोड की गई है YouTube पे एंड सेम चैनल्स का देखा जाएगा। एंड भाई, चैनल सेम है तो आपके वीडियोज उसी पर चाहिए तो सेम चैनल्स ही होगी ना, ये नहीं कि जो किसी दूसरे चैनल्स पर देखा जाएगा, नहीं। आप इस चैनल पर काम करते हो, इस चैनल्स की वीडियोज की है जो ट्रेंडिंग सेक्शन में लानी है, तो सेम चैनल्स की वीडियो कॉम्पैक्ट करेगा कि पहली वीडियोज पे जो व्यू चाहिए उसकी अपेक्षा जो है अभी नाउ रिसेंट जो वीडियोज डालोगे आप उसमें आपकी कैसी परफॉर्मेंस है, उसके परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा जो पहले के हिसाब से कितनी बेटर अभी तक आई है।
तो गाइज इसमें सबसे ज्यादा हो जाती है कि जहाँ पे व्यूज कहाँ से आती है, यहाँ पे सर्च इंजन से आती है, सब्सक्राइबर से आती है, नोटिफिकेशन में आते हैं, बहुत सारी साइट्स होते हैं जहाँ से आती है। तो यहाँ पे सबको आप कैसे चेक करोगे जो कहाँ से आती है, कैसे आती है, व्यूज कहाँ से? आपके पास YT स्टूडियो हो गया, वहाँ से आप एनालिटिक्स से जाकर के हर चीज़ को आप चेक कर सकते हो। एंड वहाँ से आप अपने वीडियोज को वेटर देख सकते हो, एंड बेटा अगर वहाँ पर आपको लगेगी जी ये कम है ज़्यादा है तो आप अपने वीडियोज को वेटर बना सकते हो। एंड जितनी वेटर बनाने के बाद ये सब रूल्स हैं जो गाइस 4-5 रूल्स बताया, ये सभी को आप सभी की बात करूँ तो मैं सेम है व्यूज के रिलेटेड, व्यूज कहाँ से आती है, व्यूज कितनी परफॉर्मेंस करती है, पहले की अपेक्षा कितना है, व्यूज का एज क्या है, टोटली मैं बताऊँ ना बात पूरी मिला के एक ही है, लेकिन अलग अलग लाइन में दिया गया कि जो पूरी को अलग अलग हिसाब से देखा जाएगा यूट्यूब के थ्रू। एंड किसी एक वीडियोज पर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखा जाएगा जो मैं 4 और 5 ऑप्शन बताया हूँ, ये ऐसे देखा जाएगा कि परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपकी वीडियोज को ट्रेंडिंग सेक्शन में भेज दिया जाएगा। इस पर व्यूज कितने हैं, समझो कि जी इस वीडियोज पर 4 मिलियन व्यूज है, आपकी वीडियो जो ट्रेंडिंग सेशन में चली गई। एंड उसके बाद आपकी वीडियो जो ट्रेंडिंग सेशन में चली गई, उसके बाद अगर किसी नेक्स्ट वीडियोज पर आपकी 1 मिलियन भी व्यूज आती है ना तो आपकी ट्रेंडिंग सेक्शन में जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो एल्गोरिदम यूट्यूब का ये कहता है, कहे नहीं समझो आप, एल्गोरिदम इसका ये है कि अगर आपकी वीडियोज 1 हज़ार ट्रेंडिंग सेशन में चली जाती है तो आपकी जो अगली वीडियोज होती है या इन फ्यूचर आने वाली होती है वो जा सकती है ट्रेंडिंग सेशन में, ये नहीं कि सब चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर केस है कि आपकी जो वीडियोज है जो बराबर ट्रेंडिंग सेशन में जाती रहेगी, बस एक बार परफॉर्मेंस आपकी वीडियोज है जो अच्छी करनी चाहिए, उसके बाद लगातार है जो आपकी व्यूज ज़्यादा आए कम है उतना नहीं देखा जाता है, आपकी है जो परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, अच्छी तो होगी उसके बाद ही ट्रेंडिंग सेशन में दिया जाएगा, उसके बाद ट्रेंडिंग सेशन में दिया जाता है। तो अगर आपको अभी बिलीव नहीं हो रही है तो आप यूट्यूब पर जाओ, 1 मिलियन नहीं होगी जिसपे व्यूज वो भी ट्रेंडिंग सेशन में जाती है। यहाँ पर मैं बड़े चैनल्स की बात कर लूँ, इंडियन हैकर हो जाती है, क्रेजी XYZ हो जाती है, एंड जो इंटरटेन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कॉमेडी में, बिम्बी की बाँस, आशीष चंचलानी, अमित बराना, इन सभी की वीडियोज को आप देख लो, शायद कभी ट्रेंडिंग सेशन में नहीं देख सकते हो, शायद देख भी सकते हो। एंड इन पर जो भी 4-5 चैनल्स बताए इन पर व्यूज है जो बहुत भरमार आते हैं, अनलिमिटेड व्यूज आते हैं, तब पर भी आप शायद ट्रेंडिंग सेशन में नहीं देखते। यही बताता हूँ ना, अगर व्यूज इतनी ज़्यादा आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रेंडिंग सेशन में चली जाएगी। यहाँ पर है ट्रेंडिंग सेशन में जाने के लिए एक परफॉर्मेंस होनी चाहिए, उसके बाद अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो लगातार आपकी वीडियो जो परफॉर्मेंस करते रहेगी एंड आपकी ट्रेंडिंग सेशन में लगातार जाती रहेगी। तो गाइज वीडियोज कैसी लगी, अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता है, अगर चैनल पर नया हो सकता है बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरह आपके लिए नॉलेजेबल एंड टेक रिलेटेड वीडियो जो भी है जो वो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल के वीडियोज के साथ।